आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों के रिजल्ट में यूएफएम लग गया है तो किस तरीके से यूएफएम को हटवाया जाएगा, यूएफएम का मतलब क्या होता है, यूएफएम किन केसेस में आपके रिजल्ट के ऊपर लगाया जाता है, यूएफएम को हटाने के क्या क्या रूल्स हैं, यूएफएम लगने के क्या क्या रूल्स हैं और यूएफएम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ किसी न किसी रीजन से अपने स्टूडेंट के ऊपर जो रिज़ल्ट है उस पर यूएफएम लगा देती हैं। तो जो यूएफएम लगता है उसका रीज़न क्या होता है और यूएफएम कैसे हटवाया जा सकता है, इसकी पूरी मैं जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप लोगों के रिज़ल्ट में यूएफएम लग चुका है तो किस तरीके से हटेगा ये मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि आने वाला जो आपका रिजल्ट है उसमें यूएफएम लगने वाला है तो किस तरीके से वो हटेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं यूएफएम लगने के, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की हर एक ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। रात को समथिंग 2 बजे ये वीडियो बना करके तैयार कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो समझ सकते हो आप लोग कितनी मेहनत लगती है गला ख़राब होने के बावजूद भी। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है और यहाँ पर इस बच्चे को जो है यूएफएम मिली है, ठीक है, यूएफएम मिली है इस बच्चे को। यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूएफएम जो है वो किस तरीके से हटता है और इसके क्या क्या मतलब रीजन्स होते हैं लगाने के। देखिए, यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अनफेयर का मीन्स का मतलब होता है कि कोई भी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप लोग कर रहे हो अपने एग्ज़ाम में जा करके, जैसे कि कोई गैजेट लेकर के जा रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के जा रहे हो जो कि अलाउड नहीं है, या फिर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि मतलब एग्ज़ाम के रूल से बिल्कुल अलग है, हट करके है, तो उस कंडीशन में आपको यूएफएम दे दिया जाता है आपके रिजल्ट के ऊपर, है ना। जैसे कि आप लोग नकल करते वक्त पकड़े गए तो आपको यूएफएम लगा दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग वॉच लेकर के गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉच लेकर के गए, कॉल वाली वॉच लेकर के गए और आप मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बेशक आपने उसको यूज नहीं किया लेकिन देख लिया टीचर ने, तो तुरंत उसको देख करके आपको यूएफएम लगा देंगे क्योंकि आपको वो चीज़ लेकर के नहीं जानी चाहिए थी। इसके अलावा आप ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो कि आपके रूल से हट करके है, आपके रूल से अपोजिट है, तो उस कंडीशन में यूएफएम लगा दिया करते हैं, ठीक है टीचर्स। अब यूएफएम जो होता है उसका मतलब क्या है, क्यों यूएफएम लगाया जाता है। देखिए, यूएफएम जो लगाया जाता है उसका पर्पज़ ये होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जो कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में आपका रिज़ल्ट सौंप दिया गया है। जब वो चाहेंगे तब आपके रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे, तब वो आपके रिज़ल्ट को क्लियर करेंगे और तभी आपका रिज़ल्ट जो है वो वैलिड होगा, ठीक। जैसे कि आपके आपके रिज़ल्ट पर यूएफएम लग गया और यूएफएम लगने का मतलब ये है कि अब आपका जो करियर है उस रिज़ल्ट के अक्रॉस वो सारा का सारा आपका जो कॉलेज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला गया। अब आपको यह करना है कि कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है ना, एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पर सेंड करनी है, आपने जो मिस्टेक की थी उसके लिए सॉरी माफ़ी मांगनी है उस एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर आपको एक पनिशमेंट जो भी उनकी तरफ से रहेगी, कुछ भी फ़ाइन होता है या फिर पनिशमेंट जो भी होगी वो लगेगी, देन इसके बाद में फिर आपका यूएफएम हट पाया जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, अपने जो आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं उनसे बात करो, उनसे पूछो, है ना, उनसे कहो कि इस यूएफएम को हम किस तरीके से हटवाएं, वो आपको जो भी सॉल्यूशंस होंगे आपके कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है और कितना फ़ाइन जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके यूएफएम पर बेस करती हैं। अगर आप लोगों ने चीटिंग करी है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हैवी फ़ाइन देना है ना। इसके अलावा एक्चुअली होता क्या, देखिए अब बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर यूएफएम मतलब चीटिंग करी है यूएफएम लगेगा, इसका मतलब हमें जो कॉपी है क्या उसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे जो हमने नकल करी थी। देखिए, आप लोग नकल कर रहे हो, ठीक है, नकल करते वक्त क्या हुआ कि आप पकड़े गए, नकल करते वक्त आप पकड़े गए, अब आपकी वो वाली जो कॉपी है वो तो सबमिट हो जाएगी, आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे देन आपको दूसरी कॉपी दे देंगे। अब जब आपको दूसरी कॉपी जो देंगे ना वो, तो उस कॉपी का जो आप लिखोगे उसमें चाहे आप 10 नंबर का कर पाओ चाहे 20 नंबर का कर पाओ, वही आपको नंबर मिलेंगे। पहली कॉपी तो आपकी बेकार हो गई, है ना, उस कॉपी से कोई मतलब नहीं है। तो
अब क्या होगा, अब जब बच्चों को 2, 10, 20, 5 जो भी नंबर मिलेंगे उस पर UFM लग जाएगी। अब आपकी जब वो UFM हट जाएगी उसके बाद फिर आप उसका बैक एग्ज़ाम दे पाओगे अगर आप उसमें फेल हो गए हो तो, ठीक है। ये पूरी कंडीशन होती है। तो UFM जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ, UFM एक ऐसी, एक तरीके से बोल सकते हैं एक ऐसी एक्ट बना रखी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि अगर आप लोग कुछ भी अनफेयर करते हो, है ना, कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम टाइम में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दे दी जाती है UFM। और इसको हटवाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने का मतलब ये है कि चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कोशिश यही करो कि UFM ना आए आपके रिजल्ट पर, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, आपको कोई भी ऐसी चीटिंग वीटिंग नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है चीटिंग करना, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, है ना, सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में एक चीज़ और आई है कि अगर कोई भी बच्चा नकल करते वक्त पकड़ा जाता तो उसको 1 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, उसको कोई भी कॉलेज कहीं पर भी नहीं मिलेगा, उस बच्चों को निकाल दिया जाएगा, 1 साल तक वो नहीं पढ़ सकता। और जिस कॉलेज में नकल पकड़ी जाएगी उस कॉलेज को 3 साल तक के लिए उसका जो इन लोगों का जो वो होता है, मतलब कि लाइसेंस जो होता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस समय आ रही हैं अपडेट में, तो बहुत ही चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। इसलिए कोशिश करो कि आपका UFM ना लगे, क्योंकि UFM लग गया पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है UFM हटवाने में, और नहीं हट पाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। हालांकि हट तो जाता है लेकिन बहुत मेहनत होती है। एप्लीकेशन लगाओगे, फिर बार बार कॉलेज जाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे, फिर वेट करोगे कब मेरे UFM हटे, कब मेरा रिजल्ट अपडेट होकर के आए, तो ये सारी चीज़ें आप ना करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको UFM मिल चुका है या फिर आपको पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले जो रिज़ल्ट है उसमें UFM आएगा, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो मुझसे, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा। देन UFM के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन लगानी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं जो अगली वीडियो बनाऊँ बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ, आपको समझा दूँ कि एप्लीकेशन किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आपको लिख करके ले आनी है UFM के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।